हेलो दोस्तों, सुशील टेक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको व्हाट्सएप की कुछ एरर आती है उसके रेजोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक किया और अब ये आ गया वेलकम टू व्हाट्सएप। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जैसे कि नॉर्मली सब करते हैं। उसके बाद अपना नंबर डालते हैं, मेरा नंबर है 98। ठीक है, इसको डालने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब ये इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैसेज है वी विल बी वेरीफाइंग द फोन नंबर, दिस नंबर, इज इट ओके और वुड यू लाइक टू एडिट और एडिट द नंबर। यानी कि अगर नंबर गलत है तो आप दोबारा दूसरा डाल लेते हैं, एडिट कर सकते हैं, वरना ओके करोगे। अब मैंने इसको ओके किया। अब ये देखो, ये कोड नहीं आया, ये मैसेज आ रहा है इसके अंदर, कॉन्ट सेंड एन SMS विद योर कोड बिकॉज यू हैव ट्राइड टू रजिस्टर दिस नंबर रिसेंटली, रिक्वेस्ट ए कॉल और वेट बिफोर रिक्वेस्टिंग एन SMS। यानी कि मैंने बहुत सारे ट्राई कर दिए थे इसलिए ये SMS नहीं आया है, तो अब मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। अब ये क्या किया है, अब ये कॉल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैसेज आ गया, यू हैव गेस्ड टू मैनी टाइम्स, प्लीज़ चेक विद योर मोबाइल प्रोवाइडर दैट यू कैन रिसीव SMS एंड फोन कॉल्स। ठीक है, या ट्राई अगेन आफ्टर -1 सेकेंड। इसका मतलब है कि ये मैसेज नहीं भेजेगा मुझे। अब हमें ये मान रहा है कि हमारा फ़ोन नंबर गलत है, तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अब मैं इसको, तीन तरीके हैं। एक तो ये व्हाट्सएप की जो ऐप है इस पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे और दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। और या फिर प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप टाइप करेंगे, यहाँ पर जैसे ओपन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे और अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अनइंस्टॉल कर देंगे व्हाट्सएप मैसेंजर को, अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर दोबारा से इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। एक तो ये ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन जो मैं करने जा रहा हूँ आपको वो भी दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी ये काम करेगा और आईफोन के अंदर भी काम करेगा। सेटिंग में जाने के बाद आप सर्च करेंगे ऐप्स, ऐप्स, ऐप्स का फोल्डर हर वर्जन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो मगर मिलेगा ऐप्स ही। ऐप्स के अंदर फिर जाकर आप क्लिक करेंगे ऐप्स पर, ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आप ढूंढेंगे व्हाट्सएप। इसको खुलने दो पहले, जब ये खुल गया है तो आप व्हाट्सएप सर्च करेंगे, सर्च करेंगे या फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाएंगे। मैं अभी स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रहा हूँ, ये आ गया व्हाट्सएप। अब ये आपको व्हाट्सएप दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर भी ऑप्शन आता है अनइंस्टॉल का और फोर्स स्टॉप का, यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले फोर्स स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद अनइंस्टॉल यहाँ से नहीं करूँगा, अनइंस्टॉल यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं जाऊँगा स्टोरेज पर, स्टोरेज पर जाने के बाद आपको, आप देख रहे हैं क्लियर कैश और क्लियर डाटा दो चीज़ें हैं, तो आप इन दोनों को क्लियर कर दोगे। सबसे पहले क्या करोगे, क्लियर कैश। अब जब आप कैश क्लियर कैश करोगे तो आप देख रहे हैं कैश 0 byte की होगी, यानी कि कैश क्लियर हो गई है, इसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन थी वो खत्म। अच्छा, इससे एक चीज़ और बता दूं, आपका अगर पुराना इसमें व्हाट्सएप का डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नया डेटा है तो नया तरीके से आ जाएगा, अदरवाइज पुराना जो भी आपका मैसेजेस हैं वो सब वैसे के वैसे रहेंगे। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, क्लियर डेटा, क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो 11.2 MB का डेटा है, क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज आया डिलीट ऐप डेटा, ओके करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप जब आप डेटा डिलीट करेंगे तो आपके मैसेजेस पुराने वाले हो, पिक्चर वीडियो वैसी की वैसी रहेंगी, वो नहीं जाएंगी, ओके करेंगे। अब आपने देखा डेटा 0 byte रह गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसको, अब आपने ये क्लियर डेटा कर दिया है, क्लियर कैश कर दिया है, इससे आपकी एरर बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। अभी लाइव वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं, हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो हो ही जाती है।
तीनों ऑप्शन जो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करोगे और क्लियर कैश और क्लियर डेटा कर दोगे। तो अब ये देखो, अब ये व्हाट्सएप में दोबारा ओपन कर रहा हूँ, अब ये दोबारा ओपन हुआ है, एग्री एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं फिर नंबर डाल रहा हूँ इसके अंदर, अपना नंबर डाल रहा हूँ 98, ये मैंने नंबर डाला और नेक्स्ट कर दिया। अब ये फिर वही ऑप्शन आ गया, वी विल बी वेरीफाइंग द फोन नंबर, दिस नंबर इज दिस ओके और वुड यू लाइक टू एडिट द नंबर। अब नंबर गलत है एडिट कर देंगे, नहीं तो ओके कर देंगे। अब ये ओके करेंगे, अब ये एसएमएस आएगा, देखो अभी अब कोई एरर नहीं आई है ना, अब यानी कि एसएमएस आने वाला है। देखो एसएमएस आ गया है मेरा 894364 एसएमएस आ गया है, और अब इसको ये क्या है, टू फाइंड एंड रिस्टोर योर बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव या फिर लोकल ड्राइव, जहाँ पर भी से होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये आपकी पुरानी बैकअप को, पुराने डेटा को कुछ नहीं करेगा। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, अलाउ व्हाट्सएप टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, इसको अलाउ करेंगे, स्टोरेज को भी अलाउ करेंगे, सबको अलाउ करना पड़ेगा इसके अंदर। अब ये लुकिंग फॉर बैकअप, अब इसने बैकअप मेरी फाइंड कर लिया, 227 की बैकअप है। अब मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ। अकाउंट आप देख रहे हैं मेरा SUSHILSR@ जो भी है, ये बहुत लोगों की कॉमन प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं होता इसको कैसे ठीक करेंगे। ये ऐसा तब होता है जब आपका फोन नंबर सिग्नल में नहीं है, मैसेज सिग्नल नहीं आ रहे हैं और मैसेज मिस हो गया कई बार, तो बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद ऐसा हो जाता है। When you try too many attempts, then your WhatsApp will be dead. ये मेरी बैकअप कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मेरी फ़ोटो भी आ गई है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ SUSHILKUMAR, नेक्स्ट। तो दोस्तों देखा, ये मेरा व्हाट्सएप रिकवर हो गया है, मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये थी वीडियो, अगर आपके व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आ रहे हैं और कॉल भी नहीं लग रही है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ज़्यादातर 90% लोगों की ठीक हो जाती है, कुछ कुछ परसेंट लोगों की अगर ठीक ना हो तो वो अपने किसी दोस्त के फ़ोन से व्हाट्सएप पे जाके और अपने नंबर के बारे में डिटेल देके उनसे व्हाट्सएप को कांटेक्ट करेंगे तो ये उसके बाद भी वो रिजोल्व कर देंगे इस इश्यू को। तो ये थी मेरी वीडियो व्हाट्सएप के एरर के बारे में। आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों को पता लग जाए कि कैसे इसके इस एरर को ठीक करेंगे। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, और इसी नोट पर वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय।